नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है। द गुंजन शो में मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज घर में काफी हलचल सी है। ये सामान जा रहा है तो आप समझ ही गए होंगे घर से आज कोई जा रहा है। तो आज एक फैमिली हमसे अलग हो रही है। क्यों हो रही है और कहाँ जा रही है वो सब मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे घर में हमसे अलग तीन फैमिली और रहती हैं। हम सबसे नीचे रहते हैं और सेकंड फ्लोर पर जो फैमिली रहती है वो अभिषेक के दोस्त हैं। दरअसल जब भैया की जॉब लगी तो भैया को जो फर्स्ट जॉइनिंग मिली वो हमारे शहर के पास ही जो थाना है उसमें मिली। भैया पुलिस में हैं तो जब वो उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो वो हमारे साथ ही रहते थे। फिर इसी दौरान भैया की शादी हो गई लगभग 2 साल पहले, तो फिर मतलब वो भाभी को भी यहीं ले आए। और उस टाइम पे कोरोना टाइम चल रहा था, सब लोग घरों में हैं, पैक थे एक तरह से। तो भाभी सबसे ऊपर रहती थी तो शाम के टाइम हम लोग ऊपर चले जाया करते थे और ऐसे ही मतलब साथ में बातचीत करते, बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया साथ में। तो बड़ी अच्छी ट्यूनिंग हम लोगों के बीच में बन गई थी। और ये कभी शाम के टाइम वो हमारे पास आ जाया करते थे और कभी शाम के टाइम हम साथ में मतलब ऊपर चले जाया करते थे। और कभी मन हुआ तो साथ में मूवी देखने निकल गए या कुछ डिनर वगैरह के लिए। तो इस तरह से मतलब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हम सबके बीच रही। बाकी लोग भी जो रहते हैं वो भी सब बहुत अच्छे हैं और हम सब लोग जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं वो सब साथ मिलके मनाते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कुछ और भी मतलब ओकेशन, सब लोग साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो आज भैया भाभी अपने सामान के साथ यहाँ से जा रहे हैं तो बस बड़ा मन सा उदास हो रहा है। और जाने से पहले हमने प्रोग्राम बनाया था कि कोई मूवी देखाएं लेकिन टिकट नहीं हो पाया। सब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इतनी अच्छी ट्यूनिंग है तो ये घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं। दरअसल भाभी प्रेग्नेंट है और कुछ महीने बाद इनका बेबी आने वाला है। तो भैया सुबह को जाकर रात में ही आते हैं, पुलिस वालों की ड्यूटी कैसी होती है तो ये तो आप समझते ही हैं। और अब भैया को ना अपने थाने के सामने ही क्वार्टर मिल गया है तो इसीलिए ये लोग वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि जब छोटा बेबी होता है तो उसके साथ ज़रूरत होती है कि साथ में कोई रहे, तो वहाँ से भैया को एकदम ईजी पड़ेगा और जो आने जाने का टाइम है वो बच जाया करेगा। तो इसी कारण से अब वो वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही रीजन है कि जिनकी वजह से इनको जाना पड़ रहा है। चलो मम्मी, आप हमारे तो बना देना, लो हम भी मिल लें। अब बताना आपके 2 साल कैसे कटे? हमारे 2 साल बहुत अच्छे कटे, हमने बहुत एंजॉय किया। आते जाते रहेंगे। हमें बिल्कुल फैमिली की याद नहीं आई, यहाँ पूरी फैमिली मिली, बहुत अच्छा लगा। चलो और तुम हमारा बाय बोलना। वो ले लिया भाभी कुछ लहसुन वगैरह ले रखा? भाभी के जाने से सबसे ज्यादा खाली पद मुझे लगेगा क्योंकि जिस फ्लोर पर भाभी रहती हैं उसी पर मेरा गार्डन है। तो अक्सर गार्डन में जब मैं जाती थी तो भाभी आकर खड़ी हो जाती थी और मतलब हम दोनों के बीच में बातें होती रहती थी। और ऊपर मंकी काफ़ी आते हैं तो अगर ऊपर मंकी आते थे तो भाभी मुझे कॉल करके बता देती थी कि भाभी अभी मत आना, ऊपर मंकी हैं। और वैसे भी मतलब कुछ भी हमें एक दूसरे से काम होता था तो हमारे बीच काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग थी और काफ़ी मिस मैं इनको करूँगी।
फ्रेंड्स सुबह के टाइम भैया भाभी चले गए थे और उसके थोड़ी देर बाद ही अभिषेक और मम्मी को भी कुछ काम था तो ये लोग भी बाहर चले गए हैं और इनको आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तो इनके जाने के बाद फिर मैंने घर का काम फिनिश किया और जब कोई जाता है तो बहुत खालीपन सा महसूस होता है तो मैं खुद को बिजी ही रखी हुई थी। बच्चों के साथ भी काफी काम हो जाता है लेकिन जो ये शाम का टाइम है ये बच्चों का टीवी टाइम होता है तो बच्चे तो अपना टीवी देख रहे हैं। अब मैं अकेली क्या करूं, थोड़ी बोरियत सी हो रही थी तो मैं ऊपर कपड़े लेने के लिए गई तो उन लोगों ने सामान पैक किया हुआ तो जो ये जूट रॉक होती है ये पड़ी हुई थी तो मैं इसको ले आई। फिर मैंने इसको मतलब सेट किया, ठीक किया, इसका बंडल सा बनाया क्योंकि ये तो एकदम इलझी हुई थी तो फिर माइंड में आइडिया आया चलो इसका ही कुछ करती हूँ तो बस मैं करने बैठ गई। और ये मेरे पास जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना उनका बॉक्स है तो इस पे ही मैं कुछ करती हूँ। क्या सबसे पहले जो बॉक्स के किनारे हैं मैं इनको अलग कर लेती हूँ। इनको दोनों को कट करने के बाद मैं इनको आपस में पेस्ट कर लूंगी। फ्रेंड्स अगर आपके पास मोटे वाले कार्डबोर्ड हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है लेकिन मेरे पास तो यही था तो मैंने इनको ही कर लिया। अब इनको दोनों को मैं आपस में पेस्ट कर लूंगी जिससे थोड़ा मजबूत हो जाएगा, थोड़ा मोटा सा हो जाएगा तो फिर मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, राउंड शेप में या एग शेप जो होती है, लेकिन मैं तो इसी शेप में रखूंगी। अब इसको ऐसे पेस्ट करने के बाद जो हमारे पास जूट रोप थी हम इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। इसके जूट रोप के किनारे पर फेविकोल या ग्लू गन की हेल्प से जो हमारा ये बोर्ड है हम इस पे इसको पूरी तरह से कवर कर देंगे। फ्रेंड्स ये काम बहुत इजीली हो जाता है और कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। हाँ कहीं कहीं पर आपकी जो जूट रोप है वो थोड़ी मोटी या पतली आ सकती है लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो जब भी कभी बोर होती हूँ इस तरह का कुछ काम लेकर बैठ जाती हूँ या फिर अपने गार्डन में चली जाती हूँ। आज गार्डन में इसलिए नहीं गई, एक तो ऊपर जाके मुझे और खालीपन महसूस होगा क्योंकि वहीं पे मैंने बताया था कि उसी वाले फ्लोर पर भाभी रहती थी। और एक ना आजकल मौसम काफ़ी गंदा हो रहा है, बहुत तेज़ हवा चलती है और काफ़ी गर्मी भी हो रही है और बच्चे साथ में हैं, मम्मी और घर में कोई नहीं है तो फिर बच्चों को लेके जाना भी ठीक नहीं है इतनी गर्मी में और जो नीचे छोड़ के जाऊंगी तो दोनों आपस में झगड़ा कर लेंगे तो इसीलिए मैं इस काम को लेकर बैठ गई। तो फ्रेंड्स इसी तरह से देखो हमने पूरा जो हमारा ये बोर्ड था इसको कवर कर लिया है। मेरा मानना है कि खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को बिजी रखना, इसलिए हर मैं वीडियो के लास्ट में बोलती हूँ व्यस्त रहें मस्त रहें तो बस मैं भी एकदम व्यस्त हूँ तो मस्त हूँ। जूट रोप से मैंने पूरे बोर्ड को कवर कर दिया है और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देती हूँ, तब तक हम अपना बाकी काम कर लेते हैं। अब मैंने ली हैं कुछ पुरानी चूड़ियाँ और जूट रोप को मैं एक सिरे से फेविकोल से भिगो लूँगी और इस जूट रोप को मैं दो चूड़ी मैंने एक साथ ली हैं इन पर रैप कर दूँगी, पूरी चूड़ी मैं इससे जूट रोप से कवर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने काफ़ी चूड़ियाँ रैप कर ली हैं जूट रोप की हेल्प से। तो फ्रेंड्स इस DIY को बनाने में मेरा कुछ भी खर्चा नहीं आया। चूड़ियाँ तो हर घर में पुरानी होती हैं और जूट रोप भी मतलब अगर आप खरीदना भी चाहते हैं तो इतनी महंगी नहीं आती और अक्सर गांवों में तो काफ़ी इजीली मिल जाती हैं क्योंकि जो बोरी वगैरह आती है वो इनसे ही सिली जाती हैं और जब घर में बच्चे होते हैं उनके क्राफ्ट वगैरह बनते हैं तो फेविकोल भी रखा ही होता है। फ्रेंड्स मैं एक बात यहाँ पर आपसे बोलना चाहूँगी, देखिए जब भी मैं कोई मतलब वीडियो डालती हूँ तो मैं कभी ये नहीं कहती कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका एक रीज़न ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपसे बोलना चाहूँगी कि आप वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करें। शेयर करने से ये होगा कि हो सकता है कि जो चीज़ आपको अच्छी ना लग रही हो वो किसी और को अच्छी लगे, उसके लिए हेल्पफुल हो। और कमेंट करने से आप मुझे ये बताएं कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, को किस तरह की वीडियोज आपको पसंद है तो मैं उसी तरह की बनानी स्टार्ट करूंगी। तो फ्रेंड्स इसीलिए वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए अब मेरी सारी चूड़ियाँ ये रैप हो गई तो मैंने एक रस्सी से इसका जो मतलब हमारा बोर्ड था इसको चारों तरफ से नाप लिया है कि ये कितना बड़ा है और उसी साइज़ की मैंने 3 रस्सियाँ बराबर कट कर ली हैं, यानी कि मैंने इनको ट्रिपल कर लिया है। इसको नाप कर एक साइज की 3 रस्सी को मैंने काट लिया है। अब इन तीनों को मैं एक साथ फेविकोल की हेल्प से आपस में पेस्ट कर लूंगी।
तो इनको सीधा रखकर एक साथ इक्वल कर एक साइज में इनको पहले इनके एक सिरे पर हम फेविकोल लगाकर अच्छे से पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद उसे पूरे को लंबा फैलाकर हम आराम से किसी ब्रश वगैरह की हेल्प से अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन पहले क्या करेंगे, हम इनके सिरे को अच्छी तरह से चिपका लेंगे, उसके बाद जो बाकी ये जो लंबी लाइन बनेगी आराम से पेस्ट हो जाएगी। पूरी रस्सी को हमने इस तरह से पेस्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स फिर हम ये जो हमने बोर्ड तैयार किया था इसको लेंगे और देखिए इसके किनारे जो हैं साइड से दिखाई दे रहे हैं तो ये थोड़ा अच्छे नहीं लग रहे। तो हमने जो ये रस्सी तैयार की है इसके चारों तरफ हम इसको पेस्ट कर देंगे और ये DIY बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है क्योंकि इसमें ज़्यादा काम नहीं है, बस जो जूट रोप है हमें उसको रैप ही करना है बोर्ड पर भी और बैंगल्स पर भी, तो कुछ ज़्यादा काम तो हमें इसमें है नहीं और बनने के बाद काफ़ी सुंदर ये लगेगा। अभी साइड में जब हमने इस पर रस्सी पेस्ट की है तो ये इस पर फेविकोल लगाया है तो थोड़ा ये बोर्ड गीला ही है तो हम गीले पर ही जो हमने बैंगल्स लगाई हैं इनके एक किनारे पर फेविकोल लगा कर इस पर पेस्ट कर देंगे। बोर्ड भी गीला है और बैंगल्स पर भी हमने फेविकोल लगाया है तो थोड़ा ईजीली ये फिक्स हो जाएंगी। आप ये काम ग्लू गन की हेल्प से भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास फेविकोल था तो मैंने इसी का यूज कर लिया है। और फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए ना हम इसको फिंगर से दबा देंगे तो उससे एकदम से फिक्स हो जाएंगी क्योंकि इनको कोई साइड में कोई सहारा नहीं मिला हुआ है तो हो सकता है कि बैंगल्स गिर जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना है फिंगर से थोड़ी देर के लिए इसको दबा देना है। तो फ्रेंड्स ऐसा करके मैंने सारी बैंगल्स इस पर लगा दी थी और इस तरह से मेरा एक प्यारा सा DIY तैयार हो गया। मैं इसमें थोड़ी सी और डेकोरेशन करूंगी लेकिन अभी मेरे पास वो सामान नहीं है तो वो मैं बाद में करूंगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगी। और देखिए इस तरह से बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स आप डाइनिंग टेबल पर इसका यूज कर सकते हैं या आप कोई भी शोपीस इस पर रख सकते हैं या अपना कॉस्मेटिक का सामान, तो किसी भी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए बनाना फ्री में कितना अच्छा एक DIY। तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का DIY कैसा लगा, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।